चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी आज उधम सिंह नगर में जनसंपर्क करेंगे। नानक मत्ता में भी डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। दोपहर बाद बागेश्वर की कपकोट विधानसभा में जनसंपर्क करेंगे। आज कई बैठकों में भी पुष्कर सिंह धामी शामिल रहने वाले हैं। प्रत्याशियों के ऐलान के साथ यूपी में चुनावी जंग दिलचस्प होती जा रही है। अखिलेश ने नई लिस्ट जारी कर 56 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और दिलचस्प बात यह है कि इसमें भाजपा और बसपा छोड़कर सपा में शामिल होने वाले चेहरों को अखिलेश ने उम्मीदवार घोषित किया है। सपा की तीसरी लिस्ट आई, यूपी में सियासत हाई। तीसरी लिस्ट में 56 नाम, पाला बदलने वालों को मिला इनाम। अब तक 254 का ऐलान, यूपी फतेह का फाइनल प्लान। यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने 56 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें सपा ने पाला बदल कर आए नेताओं को टिकट दिया। लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर की कटेहरी से टिकट दिया गया, जबकि अकबरपुर से राम अचल राजभर, गोरखपुर की चिल्लुपार से विनय शंकर तिवारी, मऊ की घोसी से दारा सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने अपने दिग्गजों पर भी दांव खेला है। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से माता प्रसाद पांडे प्रत्याशी हैं और आजमगढ़ की फूलपुर पवई से रमाकांत यादव मैदान में है। वही बलिया की बांसडी से राम गोविंद चौधरी को मैदान में उतारा गया है। मतलब अब तक समाजवादी पार्टी 254 सीटों पर अपने जिन उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, उसमें कई दिग्गज नेता हैं। इनमें से 41 सीटों पर मुस्लिम और 29 पर यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा ओबीसी वर्ग पर दिखाया गया। दरअसल अखिलेश यादव की कोशिश यूपी की चुनावी लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की है। इसके जरिए अखिलेश मंडल कमंडल की राजनीति कर रहे हैं। वो कई बार कई मंचों से जातीय जनगणना की बात कह चुके हैं, जिसका सीधा मतलब है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी, और सीट बंटवारे में वो इसकी झलक भी लगातार दिखा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली सरकार अगर जनगणना नहीं करती है जातियों की, तो समाजवादी सरकार आएगी तो जातियों की जनगणना 3 महीने में कर करके दिखा देगी और उनकी आबादी के हिसाब से उनको हक सम्मान मिले, इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन सवाल गठबंधन के साथ सीट बंटवारे का भी है, क्योंकि अखिलेश ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन का गुलदस्ता तैयार किया है, लेकिन जिन दलों के साथ हाथ मिलाया उन्हें कितनी सीट मिली, ये रालोद को छोड़कर अभी तक साफ नहीं। हालांकि अखिलेश कई बार कह चुके हैं कि सीट बंटवारे के बाद ही उन्होंने गठबंधन तय किया है। हमारी आरएलडी की सीटों की बातचीत हो चुकी है, साथ ही साथ और सहयोगी दल हैं उनके साथ भी सीटों की बातचीत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दल लगातार अपने उम्मीदवार का ऐलान कर रहे हैं। बसपा ने भी एक और लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 53 उम्मीदवारों के नाम है। मतलब यूपी में हर एक सीट से हर एक राजनीतिक दल अपने अपने पत्ते खोल रहा है, लेकिन अभी कई और सीटें ऐसी हैं जहां प्रत्याशियों को लेकर पेच फंसा है, तो कई जगह ऐलान के बाद भी अपना उम्मीदवार पार्टियों को बदलना पड़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।